क्या आपने कभी सोचा है कि किसी चीता के मुंह से अगर कोई शिकार निकल जाए तो क्या होगा, या किसी शेर का शिकार उसे चकमा दे सकता है, या कोई मुर्गी भी किसी गिद्ध के लिए खतरनाक हो सकती है। आज हम आपको जानवरों के ऐसे 10 मोमेंट के बारे में बताने वाले हैं जहां शिकारी जानवर के मुंह से शिकार बचकर निकल जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, पेंगुइन वर्सेस पेट्रेल। पेंगुइन एक क्यूट जानवर है और अपने अलग अंदाज के लिए जाना जाता है। यहाँ पर कुछ पेंगुइन बर्फ पर चल रहे हैं, तभी वहाँ पर एक पेट्रेल बर्ड आ जाता है और उनका रास्ता रोक लेता है। पेट्रेल के अचानक सामने आने से वे अचानक घबरा जाते हैं और एक पेंगुइन नीचे गिर जाता है। पेट्रेल अपनी चोंच से पेंगुइन को करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पेंगुइन के सारे साथी इकट्ठा हो जाते हैं और उसे उठा लेते हैं। पेंगुइन यहाँ पर काफी समझदारी दिखाते हुए एक गोल घेरा बना लेते हैं और उस पेंगुइन को अपने बीच में छुपा लेते हैं। पेट्रेल भी कम नहीं पड़ता और चारों तरफ घूमकर पेंगुइन पर हमला करने को लगा रहता है और थोड़ी देर में वह थककर बैठ जाता है और फिर एक और पेंगुइन आकर इनके साथ झुंड में खड़ा हो जाता है। यहाँ पर पेंगुइन की एकता की जीत होती है और पेट्रेल की बुरी तरह हार होती है। नंबर 9, लेपर्ड वर्सेस पर्क्यूपाइन। लेपर्ड बहुत ही खूंखार होते हैं जो अपने शिकार को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसे भी मात खानी पड़ जाती है। एक लेपर्ड अपने शिकार के लिए पर्क्यूपाइन यानी शाही का रास्ता रोक लेता है और उसे खाने की फिराक में रहता है, लेकिन शाही भी अपनी जान बचाकर किसी भी तरह से वहां से निकलना चाहता है। शाही के शरीर पर बहुत ही मात्रा में नुकीले कांटे होते हैं जो शिकार से उनकी रक्षा करते हैं, और जब वह खुद को मुसीबत में पाते हैं तो इन कांटों को ऊपर कर शिकारी के शरीर पर चुभाना शुरू कर देता है और शिकारी घायल हो जाता है। यहाँ लेपर्ड इस शाही को शिकार बनाकर खाना चाहता है, लेकिन शाही भी उसे अपने कांटों से घायल करता रहता है। काफी समय के बाद लेपर्ड को सफलता नहीं मिलती और शाही वहां से चकमा देकर भाग जाता है। नंबर 8, लैंड वर्सेस हनी बेजर। एक शेर अपने शिकार की तलाश में निकलता है और उसके हाथ कोई बड़ा शिकार तो नहीं लगता, लेकिन उसकी नजर एक हनी बेजर पर जरूर पड़ जाती है। शेर बिना समझे बुझे उस हनी बेजर के पास पहुंचकर उसको खाने की कोशिश करता है, लेकिन हनी बेजर भी कम नहीं है। वह शेर से तनिक भी नहीं डरता और शेर के हर हमले से उसके सामने खड़ा हो जाता है। वैसे तो हनी बेजर शेर के सामने काफी छोटा है, लेकिन उसके हौसले को देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि वह कमजोर है। शेर जब भी हनी बेजर को मारने के लिए आगे बढ़ता है, तब तब हनी बेजर उसके हर हमले पर खुराना शुरू कर देता है और देखते ही देखते शेर भी समझ जाता है कि इसके हौसले के आगे मुझे हार मानना ही पड़ेगा, और हनी बेजर सही समय देखकर वहां से निकल जाता है। नंबर 7, लैन वर्सेस बफेलो। जंगल का राजा शेर के सामने कोई भी खुद को कमजोर ही समझता है क्योंकि ये बहुत ही ताकतवर होते हैं, लेकिन कभी कभी शेर को भी मात खानी पड़ जाती है। एक खूंखार शेर जंगल में अकेले भैंस पर अटैक कर देता है, जहां शेर का वार काफी खतरनाक होता है और वह एक ही बार में भैंस की पीठ पर अपनी पकड़ बना लेता है। खूंखार शेर के इस हमले से भैंस घायल हो जाती है और एक जगह थक कर बैठ जाती है। भैंस भी यह समझ जाता है कि अब उसकी जान नहीं बचने वाली है, लेकिन तभी वहां भैंस के कुछ और साथी आ जाते हैं और शेर पर टूट पड़ते हैं। उसमें से एक भैंसा अपने लंबे सींग और खतरनाक हमले से शेर पर वार करता है और उठाकर पटकना शुरू कर देता है। वहां भैंसा शेर को एक के बाद एक पटकनी लगाता है, जिसे देख शेर भी घबरा जाता है और वहां से भाग जाना ही सही समझता है। यहां भैंसों ने यह फिर साबित कर दिया कि एकता में बहुत ही ताकतवर होता है। नंबर 6, हेन वर्सेस ईगल। जब एक माँ के बच्चों पर हमला होता है, तब वहां पर माँ से ज्यादा खतरनाक कोई नहीं होता। वह माँ कोई ताकतवर जानवर हो या एक मुर्गी ही क्यों ना हो, यहां पर मुर्गी अपने बच्चों के साथ एक जगह पर बैठी होती है, लेकिन तभी एक गिद्ध उस पर हमला कर देता है। गिद्ध का हमला काफी खूंखार होता है और वह मुर्गी के बच्चों को अपना खाना बनाना चाहता है, लेकिन मुर्गी अपने एक भी बच्चे को उसके हाथ नहीं लगने देती और पूरे जोश से गिद्ध से लड़ने लग जाती है। पहले तो गिद्ध अपने पंजों और चोंच से उस मुर्गी पर हमला करता है, लेकिन मुर्गी की हिम्मत देख वह भी हैरान हो जाता है और शांत पड़ जाता है। यहाँ पर मुर्गी ने सच में यह साबित कर दिया कि इस दुनिया की सबसे बड़ी योद्धा माँ होती है, जो अपने बच्चों के लिए किसी से भी लड़ सकती है, और यहाँ गिद्ध भागना ही सही समझता है। नंबर 5, बुलबुल वर्सेस स्नेक। यहाँ बुलबुल अपने नवजात बच्चों के साथ बैठी हुई है और दूसरी जगहों से अपने चोंच में खाना भरकर अपने बच्चों को खिलाती है। चिड़िया के इसके बच्चों पर एक खूंखार सांप भी नजर गड़ाए बैठा है, जो बुलबुल को देखकर आगे नहीं बढ़ता। बुलबुल वैसे तो एक छोटी सी चिड़िया है, लेकिन जब उसके बच्चों पर कोई खतरा आता है तो वह काफी खतरनाक हो जाती है और किसी से भी भिड़ जाती है। तभी बुलबुल के पास खाना खत्म हो जाता है और वह और खाना लाने के लिए वहां से चली जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर सांप वहां तुरंत आकर बुलबुल के बच्चों को खाने की कोशिश करने लगता है। सांप के आगे बच्चे समझदार भी नहीं होते कि उसका सामना कर सके, लेकिन खतरा भाप कर बुलबुल तुरंत ही वहां आ जाती है और अपने चोंच से मारकर सांप को भगाने में सफल हो पाती है। नंबर 4, चिकन वर्सेस किंग कोबरा। यहां पर एक मुर्गी अपने छोटे बच्चों के साथ है, लेकिन तभी वहां शिकार की तलाश में कोबरा आ जाता है। वैसे तो मुर्गी किसी पर हमला नहीं करती, लेकिन अपने बच्चों के लिए कोबरा से भिड़ने के लिए पीछे नहीं हटती। कोबरा को अपने बच्चों के पास आते देख मुर्गी घबरा जाती है और कोबरा पर हमला करना शुरू कर देती है। यहाँ पर मुर्गी की आक्रामकता को देखकर कोबरा भी वहां से भाग जाता है और मुर्गी यहाँ पर अपने बच्चों को बचाने में सफल हो पाती है। नंबर 3, वाइल्ड डॉग वर्सेस विल्डरबीस्ट। कुछ जंगली कुत्तों ने एक मादा विल्डरबीस्ट और उसके बच्चे को घेर रखा है। यह विल्डरबीस्ट इन जंगली कुत्तों से अपने बच्चे को बचाना चाहती है। जंगली कुत्ते इस विल्डरबीस्ट के बच्चे को अपना शिकार बनाने की बहुत कोशिश करते हैं और बार बार उस पर हमले भी करते हैं, और हर बार उसका सामना होता है मादा विल्डरबीस्ट से, जो अपने बच्चे को इन कुत्तों से हर हाल में बचाना चाहती है। वैसे तो जंगली कुत्ते अपने नुकीले दांत और पंजों से शिकार को नोच खाते हैं, लेकिन यहाँ इनका सामना विल्डरबीस्ट से होता है और यहाँ पर विल्डरबीस्ट इनको भगाकर अपने बच्चे को बचाने में सफल हो पाती है। नंबर 2, गिजेल वर्सेस चीता। चीता ने अपने आज के शिकार के लिए एक गिजेल को ढूंढ रखा है और उसका पीछा करने में लगा हुआ है, लेकिन रफ्तार के मामले में गिजेल भी कुछ कम नहीं है और वह चीता से पीछा छुड़ाने में तेजी से भागने में लगा हुआ है। मगर गिजेल ज्यादा दूर तक नहीं जा पाता और चीता उसे पकड़ने में कामयाब हो पाता है। चीता गिजेल को पकड़
चढ़कर उसके पीठ पर काटने की कोशिश करता है, मगर गिजेल एक जगह पर रुकने का नाम नहीं लेता और लगातार अपने पैरों को उछालकर चीता से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है। कुछ देर में चीता के बच्चे भी वहां आ जाते हैं और मिलकर अपने शिकार को मारने के लिए टूट पड़ते हैं, लेकिन गिजेल अपनी जान से हाथ धोना नहीं चाहता और वह चीता पर अपने सिंह से हमला कर देता है और चीता घायल होते ही उसे छोड़ देता है और गिजेल यहां पर बच जाता है। नंबर 1, लैन वर्सेस हाइना। एक हुंकार शेर को बहुत सारे हाइना घेरे हुए हैं और वे सभी आज शेर का शिकार करना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में जंगल के राजा शेर का भी डर साफ साफ दिखाई दे रहा है। वे हमला करने के लिए शेर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन शेर दहाड़ने लगता है और हाइना फिर उसे डर कर दूर भागने लगते हैं। यहाँ पर शेर अकेला और हाइना झुंड में है। शेर भी यहाँ इतने हाइना से लड़ने में भी सक्षम नहीं है, लेकिन फिर भी वह डरता नहीं है और उन हाइना से लड़ने लगता है। हाइना को शेर भगाने के लिए दहाड़ता है, लेकिन हाइना भी पीछे नहीं हटते। तभी वहाँ शेर का एक साथी आ जाता है और हाइना पर हमला कर देता है, जिसे हाइना डर कर भाग जाते हैं और शेर सही सलामत बच जाता है। जंगल में कुछ भी हो सकता है, जैसा आपने इस वीडियो में देखा कि जंगल के राजा शेर को भी कभी कभी झुकना पड़ता है और कभी कभी मुर्गी भी बाज जैसे खतरनाक शिकारी को भी हरा सकती है। तो गाइज, अगर आपको हमारा ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियो ला सकें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।